हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 18 हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी, इन केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट्स, इसके साथ में सीटेट, रीट और इसी प्रकार की दूसरी एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। एनईपी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लागू कर दी गई है। तो हाल ही में संपन्न परीक्षा में एनईपी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भर भर के पूछे जा रहे हैं, इसलिए आगामी परीक्षा में भी ये क्वेश्चंस हैं निश्चित रूप से आने वाले हैं। और मित्रों, नॉलेज मंडली 10,000 के पार यानी कि वादे के अनुसार आपके सिलेबस के 10,000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रश्नमाला हमने पूर्ण कर ली है और चैनल पर अपलोड कर दिए है। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, और आप इसी तरीके से साथ देते रहिए, अगले 10,000 प्रश्नों की प्रश्नमाला भी हम पूर्ण कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एनईपी पर बेस्ड काका सीरीज 18 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 341 When did the Rights of Persons with Disabilities RPWD Act 2016 come into force? विकलांग व्यक्तियों के अधिकार RPWD अधिनियम 2016 कब लागू हुआ? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे 14 सितंबर 2016, 28 दिसंबर 2016, 19 अप्रैल 2017, 3 दिसंबर 2016। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 19 अप्रैल 2017, यानी कि 19 अप्रैल 2017 में RPWD एक्ट है वो लागू हो गया था। RPWD एक्ट है उसके बारे में एनईपी में बहुत फोकस किया गया है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि RPWD एक्ट 2016 है ये लागू हो गया था, प्रभावी हो गया था कब से? 19 अप्रैल 2017 से हो गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं, 342 What will be set up for the integration of children with disabilities? The recruitment of special teachers with cross disability training and whatever necessary children with especially severe or multiple disabilities. हिंदी अर्थ देख लेते हैं, विकलांग बच्चों के एकीकरण, क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण वाले विशेष शिक्षकों की भर्ती और जहां भी आवश्यक हो विशेष रूप से गंभीर या बहुविकलांग बच्चों के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है रिसर्च सेंटर्स, कंसल्टेशन सेंटर्स, डिसेबिलिटी सेंटर्स, अकोमोडेशन सेंटर्स। तो विकलांग बच्चों के एकीकरण, क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण वाले विशेष शिक्षकों की भर्ती और जहां भी आवश्यक हो विशेष रूप से गंभीर या बहुविकलांग बच्चों के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, रिसोर्स सेंटर्स है वो खोले जाएंगे। विकलांग बच्चों के एकीकरण, क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण वाले विशेष शिक्षकों की भर्ती और जहां पर भी आवश्यक हो विशेष रूप से गंभीर और बहुविकलांग बच्चों के लिए रिसोर्स सेंटर्स है वो स्थापित किए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, रिसोर्स सेंटर्स। अगला सवाल देखते हैं, 343 अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट ऑल डिसेबल्ड चिल्ड्रन विल बी इनेबल्ड फॉर। RPWD अधिनियम के अनुसार सभी विकलांग बच्चों को किसके लिए सक्षम किया जाएगा? डिसेबिलिटी रिलेटेड स्किल्स, बैरियर फ्री एक्सेस टू रिसोर्स सेंटर्स, बैरियर फ्री एक्सेस टू डिसेबिलिटी सेंटर्स, डिसेबिलिटी रिलेटेड अकोमोडेशंस। सही उत्तर हमारा यहां पर हो जाएगा बी, बैरियर फ्री एक्सेस टू रिसोर्स सेंटर्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि इस प्रकार के बच्चे हैं जो गंभीर विकलांगता या डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए क्या खोले जाएंगे? रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रावधान किया गया है कि RPWD एक्ट के तहत डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको किसके लिए सक्षम बनाया जाएगा, बैरियर फ्री एक्सेस उनको दिया जाएगा जिससे कि वो रिसोर्स सेंटर तक पहुँच सके। तो रिसोर्स सेंटर तक पहुँचने के लिए उनको कोई भी बाधा नहीं होगी, बाधा रहित एक्सेस उनको दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बैरियर फ्री एक्सेस टू रिसोर्स सेंटर्स। अगला सवाल देख लेते हैं, 344 व्हाट डज द RPWD एक्ट मीन। RPWD अधिनियम का क्या अर्थ है? डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैव डिफरेंट नीड्स, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैव द सेम नीड्स, पीपल विद डिसेबिलिटीज ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, एवरीवन हैज सिंपैथी फॉर डिसेबल्ड पीपल। तो RPWD अधिनियम का क्या अर्थ होना चाहिए आपके अनुसार? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या उत्तर हो जाएगा?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैव डिफरेंट नीड्स। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अलग अलग कैटेगरीज है डिसेबिलिटी की, उनमें डिफरेंट नीड होती है, प्रत्येक बच्चे की अपनी आवश्यकता होती है, जिस प्रकार की डिसेबिलिटी होगी उसके अनुसार उनकी आवश्यकताएं हैं, नीड है वो भी अलग होंगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैव डिफरेंट नीड्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 345, ऑन विच डेट द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 वाज इनेक्टेड विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम 19th अप्रैल 2017। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 को किस तारीख को अधिनियमित किया गया था जो 19 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था। मित्रों मैं क्वेश्चन इस प्रकार से बना रहा हूं कि किसी भी प्रकार का पार्ट है आपका छूटे नहीं, सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं आपके लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं जिससे कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आए। तो यहाँ पर बताया गया है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है वो 19 अप्रैल 2017 को लागू हो गया था, परंतु संसद के द्वारा कब अधिनियमित किया गया था, कब उसको पारित किया गया था, वो डेट भी हमें पता होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, 14th September 2016, 28th December 2016, 19th April 2017, 3rd December 2016। तो क्या डेट होगी, कब अधिनियमित किया गया था, इसको लागू कर दिया गया था 19 अप्रैल 2017 को, तो इसको अधिनियमित कब किया गया था, 14 सितंबर 16 को किया गया, 28 दिसंबर 2016 को किया, या 19 अप्रैल 2017 को ही उसको अधिनियमित किया गया था, या 3 दिसंबर 2016 को किया गया था, कभी इसको पारित किया गया था संसद के द्वारा, कभी इसको इनेक्टेड किया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 28 दिसंबर 2016 को इसको संसद के द्वारा पारित किया गया था, और ये पारित होने के बाद में लागू हो गया था, प्रभावी हो गया था 19 अप्रैल 2017 से। तो 28 दिसंबर 2016 को संसद के द्वारा ये पारित किया गया था, संसद ने इसको अधिनियमित कर दिया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 28 दिसंबर 2016। मित्रों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। नया सवाल देख लेते हैं, 346, व्हाट विल बी अवेलेबल टू हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इंटीग्रेट मोर इजीली इनटू क्लासरूम्स। विकलांग बच्चों को कक्षाओं में अधिक आसानी से एकीकृत करने में सहायता के लिए क्या उपलब्ध होगा। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन स्पेशल स्कूल्स टू लुक एट देयर डिसेबिलिटी विद काइंडनेस। सी ऑप्शन हो जाएगा, असिस्टिव डिवाइसेज एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स। डी ऑप्शन हो जाएगा, पेइंग एलिमनी विदाउट डूइंग एनी वर्क। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, असिस्टिव डिवाइसेज एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स है इनको दिए जाएंगे, असिस्टिव डिवाइसेज उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे क्योंकि उनकी आवश्यकता है, उसके लिए असिस्टिव डिवाइसेज है वो जरूरी हो जाएंगी, और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स है उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो दूर की जा सकती है, सहायता की जा सकती है उनके लिए। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, असिस्टिव डिवाइसेज एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स। क्वेश्चन नंबर 347, व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम शुड बी डिजाइन टू अलाउ चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज टू वर्क एट देयर ओन पेस एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ ईच चाइल्ड्स स्ट्रेंथ्स। विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को अपनी गति से काम करने और प्रत्येक बच्चे की ताकत का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। स्टैंडर्ड करिकुला, नॉन फ्लेक्जिबल करिकुला, सूटेबल करिकुला, फ्लेक्जिबल करिकुला। क्वेश्चन को समझ लीजिए, विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को अपनी गति से काम करने और प्रत्येक बच्चे की ताकत का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, फ्लेक्जिबल करिकुला, मतलब कि करिकुलम है वो किस प्रकार का बना जाए, जिस प्रकार की आवश्यकता है, जिस प्रकार का उसका पेस है, जिस प्रकार की क्षमता है, उसके अनुसार करिकुलम है वो तैयार किया जाए, तो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जरूरी है। साथियों आपको पता है कि करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी उसका एक फीचर है। अच्छा करिकुलम किसको बोलेंगे, जो फ्लेक्सिबल हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिसेबल्ड पर्संस की बात कर रहे हैं, तो डिसेबिलिटी के अनुसार स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी किसी बच्चे में है तो उसके अनुसार फ्लेक्सिबल करिकुला है वो तैयार किया जाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, फ्लेक्सिबल करिकुला। मूव टू क्वेश्चन नंबर 348, व्हाट कैन बी लैंग्वेज एप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मेटेरियल्स टू एंगेज चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन क्लासरूम्स।
विद टीचर्स एंड देयर पीयर्स, शिक्षकों सहपाठी छात्रों के साथ कक्षाओं में विकलांग बच्चों को शामिल करने के लिए भाषा उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री क्या हो सकती है, टेक्स्ट बुक्स इन एसेसिबल फॉर्मेट सच एज लार्ज प्रिंट एंड ब्रेल, कलरफुल बुक्स, इमेज बेस्ड कंटेंट, ड्राइंग एक्टिविटीज। तो शिक्षकों सहपाठी छात्रों के साथ कक्षाओं में विकलांग बच्चों को शामिल करने के लिए भाषा उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी हो सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, टेक्स्ट बुक्स इन एसेसिबल फॉर्मेट्स, मतलब कि पढ़ने योग्य या एसेसिबल फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक्स हैं वो बनाई जाए, जिसमें बताया गया है कि लार्ज प्रिंट होना चाहिए, ब्रेल लिपि में वो होनी चाहिए, जिससे कि भाषा उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकती है लार्ज फॉन्ट दे करके, लार्ज प्रिंट दे करके, ब्रेल लिपि को लेकर के, और इसके साथ में ही शिक्षकों सहपाठी छात्रों को भी उनके लिए असिस्ट करवाने के लिए लगाया जाए। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, टेक्स्ट बुक्स इन एसेसिबल फॉर्मेट्स सच एज लार्ज प्रिंट एंड ब्रेल। क्वेश्चन नंबर 349, व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विल बी यूज्ड टू हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इंटीग्रेट मोर इजीली इनटू क्लासरूम्स, विकलांग बच्चों को कक्षाओं में अधिक आसानी से एकीकृत करने में मदद करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियों का उपयोग किया जाएगा? एनईपी में डिसेबल्ड पर्संस को और साथ में आरपीडब्ल्यूडी है उसको कम्प्लीटली इंटीग्रेट कर लिया है, तो इस प्रकार के बच्चे हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इनकी आवश्यकताएं अलग प्रकार की होती है, उन बच्चों को कक्षाओं में अधिक आसानी से एकीकृत करने में मदद करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियों का उपयोग किया जा सकता है? एनईपी 2020 के अनुसार ऑप्शन देख लेते, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, वोकेशनल एजुकेशन, बी, ऑल द अबव। सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस प्रकार की गतिविधियों को लागू किया जाए जिससे कि विकलांग बच्चों को कक्षाओं में अधिक आसानी से एकीकृत किया जा सकता है, मदद की जा सकती है? आर्ट्स को ज्यादा बढ़ावा दे करके, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे करके, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दे करके। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल द अबव। आर्ट्स को भी लिया जाएगा, स्पोर्ट्स को भी लिया जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन ली जाएगी, उनकी क्षमताओं के अनुसार आर्ट्स, स्पोर्ट्स, वोकेशनल एजुकेशन है, इन सभी गतिविधियों का उपयोग किया जाएगा जिससे कि विकलांग बच्चों को कक्षाओं में अधिक आसानी से एकीकृत करने में मदद की जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल द अबव। और यार अगला सवाल देख लेते हैं 350, व्हाट विल एनआईयूएस डेवलप हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स टू टीच, एनआईयूएस क्या पढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करेगा? साथियों एनआईयूएस का भी फुल फॉर्म आप कमेंट कर दीजिए, टू टीच इंडियन साइन लैंग्वेज, टू टीच अदर बेसिक सब्जेक्ट्स यूजिंग इंडियन साइन लैंग्वेज, सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, डी इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनआईयूएस की फुल फॉर्म तो आप कमेंट कर रहे हैं, एनआईयूएस क्या पढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करेगा, शिक्षा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल है, कौन विकसित करेगा? एनआईयूएस करेगा। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल है इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन विकसित करेगा? एनआईयूएस करेगा। NIOS किस प्रकार के हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स है पढ़ाने के लिए डेवलप करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, टू टीच इंडियन साइन लैंग्वेज, इसके लिए NIOS हाई क्वालिटी मॉड्यूल विकसित करेगा, इसके साथ में टू टीच अदर सब्जेक्ट्स यूजिंग इंडियन साइन लैंग्वेज, इनको भी शामिल किया जाएगा। तो इंडियन साइन लैंग्वेज है इनको उपयोग किया जाएगा, आपको पता है कि इशारे हैं या साइन लैंग्वेज है उनको लेकर के और बच्चों को सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, जो देखने में अक्षम है, जो सुनने में अक्षम है, जो बोलने में अक्षम है, इस प्रकार के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, इंडियन साइन लैंग्वेज के द्वारा पढ़ाया जाएगा और साथ में दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज का उपयोग किया जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, NIOS will be developed high quality modules to teach such type of students. Question number 351, as per the RPWD Act 2016, what options will be available to children with benchmark disabilities regarding education? RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार benchmark विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के संबंध में कौन से विकल्प उपलब्ध होंगे? Regular और special schooling, स्पेशली स्कूलिंग ओनली, नीड बेस्ड स्कूलिंग, रेगुलर स्कूलिंग ओनली। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, रेगुलर और स्पेशल स्कूलिंग, मतलब कि बच्चों को रेगुलर या स्पेशल स्कूलिंग है वो दी जाएगी। इंक्लूसिव एजुकेशन के अनुसार डिसेबल्ड बच्चे हैं वो रेगुलर स्कूलों में पढ़ाए जा सकते हैं, मतलब कि अगर वो रेगुलर स्कूलों में जा सकते हैं
तो रेगुलर स्कूलिंग उनको दी जा सकती है, और इस प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है कि बच्चा रेगुलर स्कूल में नहीं जा सकता, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, स्पेशल स्कूलिंग दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, रेगुलर और स्पेशल स्कूलिंग। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते हैं 352। व्हाट विल रिसोर्स सेंटर्स इन कंजक्शन विद स्पेशल एजुकेटर्स फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड एजुकेशनल नीड्स एंड सपोर्ट ऑफ लर्नर्स विद सीवियर और मल्टीपल डिसेबिलिटीज। गंभीर या बहुविकलांग शिक्षार्थियों के पुनर्वास और शैक्षिक आवश्यकताओं एवं सहायता के लिए संसाधन केंद्र विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर के क्या काम करेंगे। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे असिस्ट पेरेंट्स, गार्डियंस इन अचीविंग हाई क्वालिटी होम स्कूलिंग एंड स्किलिंग फॉर सच स्टूडेंट्स, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू पेरेंट्स, प्रोवाइड ऑनलाइन सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर रेगुलर स्कूलिंग। क्वेश्चन में बताया गया है गंभीर और बहुविकलांग शिक्षार्थियों के पुनर्वास और शैक्षिक आवश्यकताओं एवं सहायता के लिए संसाधन केंद्र विशेष शिक्षकों के साथ में मिलकर के क्या काम कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए असिस्ट पेरेंट्स एंड गार्डियंस इन अचीविंग हाई क्वालिटी होम स्कूलिंग एंड स्किलिंग फॉर सच स्टूडेंट्स। मतलब कि पेरेंट को, गार्डियन को अच्छी क्वालिटी की होम स्कूलिंग दी जा सके बच्चों के लिए, उसके लिए सहायता की जाएगी, और इसके साथ में स्किलिंग फॉर सच स्टूडेंट्स, बच्चों को सक्षम बनाया जाएगा, स्किल सिखाए जाएंगे जिससे कि वो अपने जीवन जीने का ढंग सीख जाएं। यानी कि शिक्षा देने का मतलब क्या हो जाता है कि वो अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें, वही उनके लिए क्या हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हो जाएगी जिससे कि वो दैनिक जीवन में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करे। तो इस प्रकार की एजुकेशन के लिए, इस प्रकार की सहायता के लिए क्या किया जाएगा, पेरेंट को साथ में गार्डियन को सहायता दी जाएगी जिससे कि बच्चों को होम स्कूलिंग दी जा सके और बच्चों को जीने के लिए स्किल सिखाया जा सके। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए असिस्ट पेरेंट्स गार्डियंस इन अचीविंग हाई क्वालिटी होम स्कूलिंग एंड स्किलिंग फॉर सच स्टूडेंट्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 18 का अगला सवाल देख लेते हैं 353। हाउ शुड चिल्ड्रन बी ट्रीटेड अंडर होम बेस्ड एजुकेशन। घर आधारित शिक्षा के तहत बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। इक्वल टू एनी अदर चाइल्ड इन द जनरल सिस्टम, स्पेशल ट्रीटमेंट इंस्टीड ऑफ अदर्स, सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट, डिस्गस्टिंग बिहेवियर इंस्टीड ऑफ नॉर्मल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए इक्वल टू एनी अदर चाइल्ड इन द जनरल सिस्टम। सामान्य बच्चों की तरह उनको ट्रीट करना है, उनको इक्वल मानना चाहिए, यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके या सिंपैथेटिकली ट्रीटमेंट दे करके या उनको लताड़ करके झिड़क करके हम क्या कर रहे हैं, उनके मन में ये कुंठा बैठा रहे हैं कि हमारे शरीर में ये कमी है, इस वजह से हमको इस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, इक्वल टू एनी अदर चाइल्ड, दूसरे बच्चे की तरह हमें ट्रीट करना है, उनको सामान्य बच्चों की तरह ट्रीट करना है जिससे कि उनके मन में कोई कुंठा नहीं बैठे। और आपको पता है कि मॉडर्न सिनारियो एजुकेशन का किस प्रकार का है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है वो दी जा रही है, विशेष विद्यालयों में इनको नहीं पढ़ाया जा रहा है, समावेशी शिक्षा है वो दी जा रही है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू एनी अदर चाइल्ड इन द जनरल सिस्टम। टू क्वेश्चन नंबर 354। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इक्वलिटी इन होम बेस्ड एजुकेशन, व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। गृह आधारित शिक्षा में समानता और समता के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इसकी दक्षता और प्रभावशीलता के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है। प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट आफ्टर एनरोलमेंट विदाउट डूइंग एनीथिंग, एन ऑडिट ऑफ होम बेस्ड एजुकेशन, टेकिंग एग्जाम्स लाइक अदर चिल्ड्रन, अडॉप्टिंग रिग्रस इंस्पेक्शन प्रोसेस। सही उत्तर क्या हो जाएगा, गृह आधारित शिक्षा में समानता और समता के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इसकी दक्षता और प्रभावशालिता के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है। मतलब कि बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन दी जा रही है, जो बच्चे विद्यालयों में नहीं आ सकते या असमर्थ है तो विद्यालयों में नहीं आ सकते, उनके लिए होम बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी, और इस प्रकार की गृह आधारित शिक्षा में समानता और समता के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए उसकी दक्षता। घर पर ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं सिखाया जाए, उनको जीना भी नहीं सिखाया जाए, तो उनकी दक्षता और प्रभावशीलता के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन ऑडिट ऑफ होम बेस्ड एजुकेशन। मतलब कि उनका निरीक्षण किया जाएगा, उनका परीक्षण किया जाएगा, ऑडिट की जाएगी कि क्या वो एप्लीकेबल है, वो सिस्टम होम बेस्ड एजुकेशन उनको दी जा रही है तो बच्चा क्या सीख रहा है या नहीं सीख रहा है,
तो उसको क्या किया गया है, उसको नाम दिया गया है ऑडिट ऑफ होम बेस्ड एजुकेशन। उसका ऑडिट किया जाएगा कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, परंतु ऑडिट इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि समानता और समता का सिद्धांत भी लागू हो, और बच्चों को सिखाई जाने वाली चीजें हैं वो दक्ष होनी चाहिए, प्रभावशीलता भी उसकी होनी चाहिए। ये सब चीजों को क्या किया गया है, ऑडिट किया गया है। ऑडिट यहाँ पर एनईपी में नाम दिया है कि एन ऑडिट ऑफ होम बेस्ड एजुकेशन है, वो लिया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा। बाकी सभी पॉइंट हैं वो गलत हो जाएंगे। प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट आफ्टर एनरोलमेंट विदाउट डूइंग एनीथिंग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, नेगेटिव सेंस जा रहा है। टेकिंग एग्जाम्स लाइक अदर चिल्ड्रन, ये भी गलत है क्योंकि वो बाकी बच्चों की तरह एग्जाम नहीं दे सकते। और साथ में अडॉप्टिंग रिग्रस इंस्पेक्शन प्रोसेस है, ये भी गलत है। उनका ऑडिट किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, एक पर्टिकुलर अंतराल के बाद में निरीक्षण किया जाएगा, उनका ऑडिट किया जाएगा, लेखा परीक्षण किया जाएगा। होम बेस्ड एजुकेशन उनको दी जा रही है तो ऑडिट किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा एन ऑडिट ऑफ होम बेस्ड एजुकेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं 355। Who will be responsible for actively supporting parents / caregivers with technology based solutions for education of children with disabilities as per RPWD Act 2016? RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान सहित माता पिता या देखभाल करने वालों को सक्रिय रूप से समर्थन देने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्टेट, पेरेंट्स, टीचर्स, पब्लिक। तो RPWD 2016 के अनुसार विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान सहित माता पिता और देखभाल करने वालों को सक्रिय रूप से समर्थन कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? स्टेट की होगी या पेरेंट की, स्वयं की होगी, टीचर्स की होगी, पब्लिक की होगी, किसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है RPWD 2016 के अनुसार? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट मतलब कि राज्य, राज्य का मतलब कोई स्टेट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि सरकार होना चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जिम्मेदारी दी गई है। तो स्टेट का मतलब क्या बोला गया, सरकार की जिम्मेदारी बताई गई है कि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान सहित माता पिता और देखभाल करने वालों को सक्रिय रूप से, राज्य जिम्मेदार होंगे जिनको प्रौद्योगिकी आधारित समाधान दिए जाए और माता पिता और देखभाल करने वालों को भी सक्रिय समर्थन दिया जाए, तो स्टेट की जिम्मेदारी होगी RPWD 2016 के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 356। विच एक्ट डिफाइंस द गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग होम बेस्ड स्कूलिंग, कौन सा अधिनियम घर आधारित स्कूली शिक्षा के ऑडिट के लिए दिशा निर्देशों और मानकों को परिभाषित करता है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एक्ट 2013, और डी ऑप्शन हो जाएगा RPWD एक्ट 2016। सही उत्तर आपको निश्चित रूप से पता है, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा RPWD एक्ट 2016, सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा RPWD एक्ट 2016, जो कि क्या कर रहा है, गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स बनाएगा किसके लिए, ऑडिटिंग होम बेस्ड स्कूलिंग के लिए गाइडलाइन तैयार करेगा, स्टैंडर्ड्स बनाएगा RPWD एक्ट 2016। और यार क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट भी करते जाइए। नया सवाल देख लेते हैं 357। रिसर्च अबाउट चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज मेक्स इट क्लियर दैट द अर्लियर हेल्प स्टार्ट्स फॉर सच चिल्ड्रन, व्हाट इफेक्ट विल इट हैव? विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के बारे में शोध से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे बच्चों के लिए जितनी जल्दी मदद शुरू की जाए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि सीखने में अक्षम बच्चे हैं उनके लिए जितनी जल्दी हो सके सहायता है वो शुरू कर देनी चाहिए, ये किसने स्पष्ट किया, शोध ने बताया है जल्दी से जल्दी सहायता दी जाए जिससे कि उनको फायदा मिल सके, कौन सी चीज में इसका फायदा मिलेगा? ऑप्शन देख लेते हैं, जॉब सुटेबिलिटी, बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग नीड्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस, यानी कि प्रगति के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकते हैं अगर उनको शुरुआत में या जल्दी सहायता दे दी जाए जिससे कि वो उनकी प्रगति है वो रुके नहीं, उनके विकास में सीखने में मदद मिल सके, तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस। अगला सवाल देखते हैं 358। Who needs to be helped in early identification of learning disabilities of children with specific learning disabilities
एंड स्पेसिफिकली प्लानिंग फॉर देयर मिटिगेशन। विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं वाले बच्चों की सीखने की अक्षमताओं की प्रारंभिक पहचान और उनके समन के लिए विशेष रूप से योजना बनाने में किसकी मदद की जानी चाहिए? बताया गया है कि विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले बच्चे हैं, उनके सीखने की अक्षमताओं की प्रारंभिक पहचान और उनके समन के लिए समस्याओं को खत्म करने के लिए विशेष रूप से योजना बनाने में किसकी मदद की जानी चाहिए? डिसेबल्ड चिल्ड्रन, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल। डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो बच्चा अक्षम है उसको सहायता की जानी चाहिए, उनकी पहचान की जानी चाहिए, उनकी प्रारंभिक पहचान करके समन करने के प्लानिंग बनानी चाहिए, बच्चे के साथ में मिलकर के या पेरेंट के साथ में मिलकर के, टीचर्स के साथ में मिलकर के, प्रिंसिपल के साथ में मिलकर के, किसके साथ में प्लानिंग बनानी चाहिए, किसको मदद देनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, टीचर्स के लिए। मतलब कि टीचर है वो क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, किस प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको पहचानने में मदद करनी चाहिए, साथ में स्पेसिफिकली प्लानिंग फॉर देयर मिटिगेशन, उस डिसेबिलिटी को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, सहायता देनी चाहिए। हर कोई टीचर को सहायता करेगा तो वो अच्छे तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी को पहचानेगा, बच्चे को असिस्ट कर पाएगा, उस लर्निंग डिसेबिलिटी को कैसे खत्म किया जा सकता है इसकी प्लानिंग कौन तैयार करेगा, टीचर करेगा। तो स्पेसिफिक प्लानिंग में किसकी मदद करनी होगी, हमें टीचर की मदद करनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 359। व्हाट विल स्कूल्स एंड स्कूल कॉम्प्लेक्सेस प्रोवाइड टू ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, सभी विकलांग बच्चों को स्कूल और स्कूल परिसर क्या प्रदान करेंगे? ऑप्शन हो जाएंगे, नॉर्मल चिल्ड्रन विल बी फोर्स्ड टू सिंपैथाइज विद डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अकोमोडेशंस एंड सपोर्ट मैकेनिज्म्स प्रोवाइड सम फाइनेंशियल असिस्टेंस, डिफरेंट एजुकेशन फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकलांग बच्चों को स्कूल और स्कूल परिसर में क्या प्रदान किया जाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, अकोमोडेशंस एंड सपोर्ट मैकेनिज्म्स, मतलब कि उनको अकोमोडेट किया जाए, सपोर्ट मैकेनिज्म है वो अपनाई जाए, लर्निंग डिसेबिलिटीज है या डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड बच्चे हैं तो उनको अकोमोडेट किया जाए, उनको भी समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ाया जाए और सपोर्ट मैकेनिज्म है वो दी जाए। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अकोमोडेशन एंड सपोर्ट मैकेनिज्म्स विल बी प्रोवाइडेड बाई स्कूल्स एंड स्कूल कॉम्प्लेक्सेज। और यार देख लेते हैं एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, काका सीरीज 18 का अंतिम क्वेश्चन 360। What option will be available for children with severe and profound disabilities who are unable to attend school? भयंकर एवं गंभीर विकलांग बच्चों के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध होगा जो स्कूल जाने में असमर्थ है? ऑनलाइन एजुकेशन, स्पेशल स्कूल बेस्ड एजुकेशन, होम बेस्ड एजुकेशन, रेगुलर स्कूल बेस्ड एजुकेशन। तो भयंकर और गंभीर विकलांग बच्चों के लिए किस प्रकार का विकल्प उपलब्ध करवाया जा सकता है जो कि स्कूल आने में असमर्थ है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, होम बेस्ड एजुकेशन। मतलब कि जो बच्चे भयंकर रूप से या गंभीर रूप से विकलांग हैं और वो स्कूल आने में असमर्थ हैं तो उनको होम बेस्ड एजुकेशन है वो दी जा सकती है, गृह आधारित शिक्षा दी जाएगी और उसका ऑडिट भी किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, होम बेस्ड एजुकेशन। इस प्रकार से साथियों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 18 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुँच गए हैं और अभी तक हमने 360 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। और साथियों आज के डिस्कशन में हमने चर्चा करी कि डिसेबल्ड पर्सन क्या होते हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, उनके लिए किस प्रकार के रूल बने हैं, एनईपी में किस प्रकार की एजुकेशन डिसेबल्ड पर्सन को दी जाएगी, ये सब चीज़ें चर्चा करी हैं। तो निश्चित रूप से इन पर आधारित क्वेश्चन से आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसीडीसी, इनकेवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट और साथ में सीटेट, रीट और इसी प्रकार की दूसरी एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चंस है पूछे जाएंगे। साथियों आपको पता है कि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। आप उस चक्रवाती प्लान का फायदा उठाइए और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए। और यार नॉलेज मंडली 10,000 के पार, यानी कि वादे के अनुसार आपके सिलेबस के 10,000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रश्नमाला हमने पूर्ण कर लिए, चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए और आप इसी प्रकार से साथ देते रहिए, अगले 10,000 प्रश्नों की प्रश्नमाला भी हम पूर्ण कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।